अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको मज़ीद जो सी है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल पर जो सा वो बेल का बटन प्रेस करना पड़ेगा, बेल के बटन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ कुकिंग की वीडियोस मिलेंगी बल्कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नित्य व्लॉग्स भी मिलेंगे और यहाँ पर 2-in-1 वाला सिस्टम है कि आपको कुकिंग भी सीखने को मिलेगी और व्लॉगिंग की जो सी है वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो अभी मैं चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो आज हम लोग जो बना रहे हैं वो है चने की दाल और कीमे वाली रोटियाँ, पराठे हम लोग बना रहे हैं। तो अब हम वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ये पराठे भी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों के साथ एक आइडिया हमने शेयर किया है, इसमें मैंने हरा धनिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है मेरे बहन भाइयों, मैं भूल गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये तो भूल चूल तो हो ही जाती है, क्या करें आप। ठीक है, इसमें मैंने ना थोड़ा सा ना घी भी डाल देती हूँ। अच्छा, आपने क्या धनिया हरी मिर्च का बताया? हाँ जी, मैं बताया था धनिया हरी मिर्च डाली है इसमें, फिर मैं भूल गई थी कि मैंने सलाम तो भी ले ली। अच्छा ठीक हो गया। तो आप देखिए, मतलब दो परतों वाले ही हम लोग जो सी रोटी है पराठा इसको तैयार कर रहे हैं। मैं एक वाला भी बना के दिखा दूंगी किसी दिन। हाँ, एक वाला भी दिखा देंगे, मतलब वो तो मतलब बहुत थोड़ी सी फीलिंग की होती है उसके अंदर। हाँ जी, वो निकल ना जाए ना बाहर। हाँ, तो वो बस फिर ये देखे, ये एक मिनट में पक जाना। अच्छे से बेल लेना, चिकने बेलने पर ही हम लोग इसको बेल रहे हैं और बारीक सा जो सा है वो पराठा अगर आप बनाएं और फिर उसको। मुझे वैसे रोटी नहीं पकानी आती ना चिकने बेलने के बगैर, मतलब इस तरह के जो पराठे होते हैं उनका यही होता है कि जो फीलिंग की हुई वो बाहर ना निकले, आपका जो पराठा है वो फटे ना। केयरफुली आपने बनाना होता है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया। चलो जी उधर आ गए। ये तो विवर मम्मा ने जो सा पराठा वो तवे पर डाल दिया है और अभी इसके ऊपर मम्मा ने घी भी नहीं लगाया और इसकी साइड को भी अभी चेंज नहीं करना क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये इसकी एक साइड पक जाती है तब इसके ऊपर घी लगाते हैं फिर इसको पलटते हैं। इससे पहले अगर पलटेंगे तो ये जो सी रोटी ये भी टूट जाएगी और जो सा अगर घी होगा वो आपके ऊपर गिर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी होती है चीज़ों की। और अभी हम लोग इसको काफ़ी क्योंकि मम्मा इसके अंदर तो घी लगाया है, देखिए जैसे सुड़ 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 हो रही है, मतलब दिखा ऐसे इसकी जो सी फिल रूखी सूखी सी नहीं फील होगी, एक अच्छा सा जो सा टेक्सचर आएगा, इसलिए उसको घी लगाया अंदर से। तो अब इसके साइड को चेंज करके फिर आप अभी ये अभी आटा ये कच्चा अभी कच्चा अभी नहीं थोड़ा सा पकेगा फिर इसके साइड चेंज करके आपको दिखाते हैं। मैंने उल्टा दिया, ये जैसे इसकी साइड को चेंज कर दिया है और अब मम्मा ने साइड चेंज करने के बाद जो है उसके ऊपर वो घी लगाया है। आजा भाई, तू भी वीडियो में ही आ जा, इतना आके बोल रहे। अच्छा, तो इसके ऊपर घी लगा दिया और अब इसको पकाएंगे इसके साइड को और फिर मैंने कहा दूसरी तरफ भी लग जाए। सही है, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया, कितनी प्यारी ये रोटी बन गई है। तो इस तरह की और भी आप लोग रोटियां बना सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हम लोगों ने दे दिया है। सुबह के नाश्ते का टाइम था, चलो मैंने कहा आपकी रूटीन में नहीं लेना, ये दे देती हूँ बच्चों को। डेली तो मतलब दिल भी नहीं करता किसी भी एक चीज़ को लेके, मतलब ना पराठे रोज़ ना ही कोई इस तरह मतलब एक ही अंडे डब रोटी या जो बेकरी वगैरह का सामान बाखर खानियाँ वगैरह केक रस, तो थोड़ा सा वेरिएशन होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना चाहिए आप लोगों को, इसलिए हम लोग आपको इतने आइडियाज़ दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और माशाल्लाह जो सी है वो रोटी तैयार हो गई है। अब बाकी भी जो सी है हम लोग रोटी डाल देते हैं तवे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी, इसको भी पका लेते हैं हम। ये देखो उठा लेंगे, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा, मतलब वो निशान से जो तेज से पता चलता है कि आपकी कौन सी रोटी को पकी है, उसके बाद उसके ऊपर घी लगाया जाता है। तो आप लोग अपने मतलब सर्दियों में क्या नाश्ता करते हैं, सर्दियों की रूटीन क्या है नाश्ते की या गर्मियों की, या वैसे ही मतलब आप लोगों की क्या रूटीन होती है नाश्ता करने की, तो आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है, आप लोग सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं खाना।
कई लोग सुबह को नाश्ता खा लेते हैं ना ज्यादा, ये रोटी वगैरह सर्दियों को, दोपहर को खाना नहीं खाते हमारे इधर पंजाब में कई लोग ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत उम्दा रोटी बन चुकी है। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया, लुक बहुत ज़बरदस्त आया और इसकी स्मेल माशाल्लाह जो खुशबू है ना वो पूरे किचन में यहाँ फैली हुई है और बहुत ही मज़ेदार सी जो सी रोटी लग रही है, ये तैयार हो गई है हमारी। इसको करते हैं डिश और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी रोटी हम लोगों ने तैयार की थी इसको कर लिया हम लोगों ने डिश आउट। और मैं अंदर से भी ज़रा आपको खोल के दिखा देती हूँ गर्मा गर्म रोटी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त की फीलिंग है और धुएँ भी निकल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स आप लोगों को जो सी आज की हमारी वीडियो है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस रोटी को बनाकर इंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपके लिए दुआ गो इंशाल्लाह नित नई रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे और इस गर्मा गर्म रोटी के साथ हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।